तो गाइज आप सभी लोगों को पता है जो स्लोड एंड रिवर्ब सॉन्ग होते हैं वो सुनने में कितने ज़्यादा ऑसम लगते हैं एंड यहाँ पर इस टाइम पर कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ऐसे में काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसे सॉन्ग को क्रिएट करें, यहाँ पर ये जो स्लोड एंड जो रिवर्ब सॉन्ग होते हैं इनको क्रिएट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर इसको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं एंड इनको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इनकी एडिटिंग इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती है। ऐसे में काफ़ी सारे लोग इन सॉन्ग्स को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छा आप सभी लोगों का रिस्पांस आया था एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा था कि भाई हम इसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है एंड बहुत ही मुश्किल है इन सॉन्ग्स को क्रिएट करना। बट आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप यहां पर बिना कोई एडिटिंग करे सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक कमाल का स्लोड एंड रिवर्ब सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो। बस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लोगे तब आप किसी भी सॉन्ग को इजिली कन्वर्ट कर दोगे स्लोड एंड रिवर्ब में एंड यहाँ पर ज़्यादा आपको एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी एंड ज़्यादा उसके अंदर अपना माइंड भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है एंड ये एप्लीकेशन खुद ही आपके उस सॉन्ग को स्लोड एंड रिवर्ब में कन्वर्ट कर देगा। तो कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरीके से यूज़ करना है, चलिए बताता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्लोड एंड रिवर्ब सॉन्ग को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर म्यूजिक स्पीड चेंजर ये नाम का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इसको सिंपली प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा म्यूजिक स्पीड चेंजर, ये वाला जो एप्लीकेशन आएगा इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर जो भी सॉन्ग आप स्लोड एंड रिवर्ब में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसको सिंपली कुछ इस तरीके से ओपन कर देना। अब जैसे ही आपका जो सॉन्ग है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सॉन्ग को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आना है। तो आपको देख लेना कि आपका जो सॉन्ग है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट में सिंपली आपको सॉन्ग को ले आना है। जैसे ही दोस्तों आप स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाते हो उसके बाद आपको जो ए वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा सिंपली इसको प्रेस कर देना है। अब यहां पर आपको अपने सॉन्ग को बिल्कुल सबसे लास्ट में ले जाना है एंड सबसे लास्ट में आपको सिलेक्ट कर देना है जहां पर भी आपका जो सॉन्ग है वो एंड होता है एंड जो बी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको अपने सॉन्ग के स्टार्टिंग में आ जाना है। अब यहां पर दोस्तों आपको जैसे ही आप स्टार्टिंग में आ जाते हो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप इसकी पिच या फिर दोस्तों टेम्पो को यहां से चेंज कर सकते हो। अब यहां से हम दोस्तों इसको सिंपली पहले मैं पिच को थोड़ा सा कम कर देता हूं एंड उसके बाद आपको जो सॉन्ग है उसको प्ले करके दिखाता हूं। तो अभी गाइज आप यहाँ पर देख लीजिए जो सॉन्ग है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी जो म्यूजिक चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली इस पर करना है क्लिक एंड उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट पर क्लिक करोगे आपको नीचे रिवर्ब का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। अब यहाँ से आपका जो सॉन्ग है वो रिवर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपको विड ऑप्शन देखने को मिलेगा यानी कि आपकी रिवर्ब की आप क्वालिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसको आप 16 रख दीजिए, बेस्ट क्वालिटी आपको आपकी म्यूजिक की देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको बैक हो जाना है, पेज पर करना है क्लिक एंड यहाँ से अब आप एक बार फिर से सॉन्ग को मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख लीजिए जो हमारा सॉन्ग है वो यहाँ पर कमाल का लग रहा है सुनने में, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एंड अब आप अपनी पिच को जो है चेंज करके भी सॉन्ग को सुन लीजिए। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सॉन्ग को कर दिया बंद। अब यहाँ से आप अपने सॉन्ग के हिसाब से जो अपने सॉन्ग की पिच है एंड जो टैम्प है उसको यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो भी आपका आपको सुनने में अच्छा लगे आप उतने यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है उसको रख सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये बेस्ट ओपेसिटी है। आपको सिंपली 3 डॉट्स पर करना है क्लिक, उसके बाद एंड सेव साउंड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस साउंड को अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है एंड ईजिली आपका जो सॉन्ग होगा स्लोड एंड रिवर वो कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इस सॉन्ग को कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप सिंपली उसको कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फो वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।